मूवी के शुरू होते ही हम एक लड़की को देखते हैं जो पूरी तरह से घायल होकर जंगल में भाग रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके और उसकी जान के पीछे कोई पड़ा हुआ था। वो जैसे तैसे भागकर रोड तक आती है जहां वो एक कार को रोक देती है और काफी ज्यादा डर कर उससे मदद मांगती है। उसी वक्त उसकी आँख खुलती है और उसका यह भयानक सपना टूट जाता है। इस लड़की का नाम मेरी था और वो उसके दोस्त एलेक्सिया के साथ उसके पेरेंट्स के घर पर जा रही थी। अब मेरी एलेक्सिया को अपने डरावने सपने के बारे में बताती है, जिस पर एलेक्सिया उसे समझाकर सफर एंजॉय करने को बोलती है, जिस पर वो लोग एंजॉय करते करते अपना सफर जारी रखते हैं। इधर हम एलेक्सिया के फैमिली को देखते हैं, जो उसका इंतजार कर रही थी और वो भी एलेक्सिया से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी। यहाँ हम देखते हैं कि उनके घर के पास ही एक अजीब सा ट्रक खड़ा था, जिसमें एक आदमी था जो वहाँ मजे ले रहा था और वो भी एक लड़की के कटे हुए सर से। काम होने पर वो उस सर को वहीं फेंक कर निकल जाता है। इधर रात हो चुकी थी लेकिन मेरी और एलेक्सिया का सफर अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए जल्दी घर पहुंचने के लिए वो लोग एक शॉर्टकट लेते हैं जो एक कच्ची सड़क से होकर जाता था। उस रास्ते पर चलते ही एलेक्सिया को कॉर्नफील्ड में कोई दिखाई देता है, इसलिए वो अपनी कार रोककर चेक करने जाती है, जिसके बाद मैरी भी उसके पीछे चली जाती है। लेकिन उसे वहां एलेक्सिया नहीं मिलती, इसलिए वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी उसे कार स्टार्ट होने की आवाज आती है, इसलिए वो जल्दी से वापस कार के पास आती है और देखती है कि वो एलेक्सिया थी जो उसके साथ प्रैंक कर रही थी। अब कुछ ही देर बाद वो दोनों एलेक्सिया के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ एलेक्सिया के फैमिली में और चार मेंबर्स थे, जिनमें एलेक्सिया की मॉम एलेक्स, उसके डैड डैनियल, उसका छोटा भाई टॉम और उनका डॉग हेंड्रिक्स था। एलेक्सिया मैरी को अपना पूरा घर दिखाती है और रात बहुत ज्यादा होने की वजह से वो अपने फैमिली से मिलकर जल्दी सोने जाती है। लेकिन मैरी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर आकर स्मोकिंग करती है और कुछ देर बाद वापस अपने रूम में आकर म्यूजिक सुनने लगती है। तभी उस घर की डोरबेल बजती है, इसलिए डैनियल जाकर दरवाजा खोलता है। तब दरवाजे पर वही ट्रक वाला आदमी होता है जो एक रेजर से सीधा डैनियल के चेहरे पर मारता है और ऊपर से ये सब मैरी देख रही थी। अब वो किलर उनके घर में घुस जाता है और सबसे पहले उनके डॉग को मार देता है। इसके बाद वो डैनियल के चेहरे को सीढ़ियों में फंसाता है और एक टेबल से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उनकी आवाज से एलेक्सिया की मॉम उठ जाती है और डैनियल को ढूंढने नीचे जाती है। तब उसे वहां डैनियल की डेड बॉडी मिलती है। तभी उसकी नजर उस किलर पर पड़ती है जो डेड बॉडी के पास ही खड़ा था। उसे देखकर एलेक्सिया की मदर काफी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी चीखें सुनकर मैरी भी काफी घबरा जाती है। लेकिन वो पैनिक ना होकर ठंडे दिमाग से सोचती है और गेस्ट रूम को जल्दी से रीअरेंज करती है, जिसे देखकर ऐसा लगे कि उसमें कोई रहता ही नहीं और किलर को लगे कि उस घर में उनकी फैमिली के अलावा कोई नहीं है। वो सब चीजों को अपनी अपनी जगह अरेंज करके बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वो किलर उस गेस्ट रूम में आता है और उस रूम को देखकर उसे भी यही लगता है कि रूम में कोई नहीं रहता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। वहां से निकलकर वो एलेक्सिया के रूम में जाता है और तब तक मैरी वहां से निकलकर एलेक्सिया के पेरेंट्स के रूम में जाती है और वहां फोन ढूंढने लगती है। लेकिन तभी उसे किसी के आने की आहट होती है, इसलिए वो जल्दी से अलमारी में जाकर छिप जाती है और देखती है कि एलेक्सिया की मदर वहां आकर छुपने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी किलर वहां आकर उसे पकड़कर उसका गला काट देता है। वो देखकर मैरी और भी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभाल लेती है और किलर के जाने के बाद बाहर आकर देखती है कि एलेक्सिया की मदर अभी भी जिंदा थी और वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन वहां के सिवा कुछ बोल नहीं पाती। अब मैरी एलेक्सिया के रूम में जाती है और देखती है कि किलर ने एलेक्सिया को बांध रखा है, इसलिए वो उसे आजाद करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे टॉम की आवाज आती है, इसलिए वो वहां जाकर देखती है कि टॉम घर से निकलकर कॉर्नफील्ड की तरफ भाग रहा है। लेकिन किलर भी एक शॉटगन लेकर उसका पीछा करता है और कॉर्नफील्ड में उसे ढूंढकर उसे शूट कर देता है। अब एलेक्सिया की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी और सिर्फ वो ही जिंदा थी और किलर ने सिर्फ उसे बांध रखा था, यानी वो उसे मारना नहीं चाहता था। लेकिन एलेक्सिया काफी डर गई थी, इसलिए मैरी उसे समझाकर फोन ढूंढने नीचे जाती है। तब उसे वहां फोन तो मिलता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि किलर ने पहले ही फोन लाइन काट दी थी। अब मैरी देखती है कि वो किलर एलेक्सिया को उठाकर अपने ट्रक में डाल देता है,
लेकिन मैरी अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से किचन में जाकर एक चाकू उठा लेती है। लेकिन उसकी हड़बड़ाहट वो किलर सुन लेता है, इसलिए वो फिर से चेक करने उस घर के अंदर चला जाता है। और तभी मौका देखकर मैरी एलेक्सिया के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो किलर भी घर के बाहर आ जाता है। इसलिए मैरी पूरी तरह से तैयार होकर उस पर हमला करने उसके आने का इंतजार करती है, लेकिन वो किलर उसके सामने नहीं आता और बिना देखे ही डोर बंद करके लॉक कर देता है। उसे पता ही नहीं था कि मैरी ट्रक के अंदर है, इसलिए वो ट्रक स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। इधर एलेक्सिया अपनी फैमिली और अपने बारे में सोचकर रो रही थी, इसलिए मैरी उसे समझाती है और वहां से सही सलामत बाहर निकलने का वादा करती है। जिसके बाद मैरी उस ट्रक का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है और थोड़ी ही देर बाद वो लॉक तोड़ देती है, जिसके बाद मौका मिलने पर वहां से भागने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो किलर एक गैस स्टेशन पर ट्रक रोक देता है और उन दोनों को भागने का मौका मिल जाता है। इसलिए मैरी एलेक्सिया को वो चाकू देकर ट्रक से बाहर आ जाती है और पास वाले स्टोर में चली जाती है और वहां के वर्कर को पुलिस को बुलाने को कहती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो किलर भी वहां पर आ जाता है, इसलिए मैरी जल्दी से वहां छिप जाती है। और इधर वो किलर काउंटर पर आता है और उसके हाथ पर लगा खून देखकर उस वर्कर को उस पर शक होता है, इसलिए वो चुपके से अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। तभी वो किलर उससे एक ड्रिंक मांग लेता है, इसलिए वो वर्कर उससे नॉर्मल होकर बात करने की कोशिश करता है और ड्रिंक लाने अंदर चला जाता है। लेकिन उसके एक्सप्रेशन देखकर वो किलर सब कुछ समझ चुका था, इसलिए वो उसे भी मार देता है। लेकिन किलर को शक था कि यहाँ और कोई तो है जो उसके बारे में जानता है, इसलिए वो लाइट बंद करके उसकी तलाश करने लगता है। और छिपते छिपाते मैरी वहां से निकलकर वॉशरूम में जाकर छिप जाती है और किलर को कुछ न मिलने पर वो ज्यादा समय नहीं गवाता और वहां से निकल जाता है। अब मैरी बाहर आकर पुलिस को कॉल करती है और उस वर्कर की गन और कार लेकर किलर का पीछा करने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद वो किलर मेन रोड से अपना ट्रक एक कच्ची सड़क पर मोड़ लेता है, इसलिए मैरी अपनी कार की लाइट ऑफ करके उसके पीछे चल पड़ती है। लेकिन आगे अचानक वो उस ट्रक को खो देती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो ट्रक कहाँ गया, इसलिए वो इधर उधर देखती है कि तभी उसके पीछे एक लाइट ऑन हो जाती है जो उसी ट्रक की थी। इसलिए मैरी जल्दी से अपनी गन उठाकर उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उस गन में बुलेट्स ही नहीं थी। तभी किलर उसे वो बुलेट्स दिखाता है, यानी किलर को पहले ही उसके बारे में पता चल चुका था क्योंकि उसने वॉशरूम में मैरी को देख लिया था और एलेक्सिया के घर में उसकी फोटो भी थी, इसलिए किलर ने उसे पहचान लिया था। और ये एक ट्रैप था जिसमें अब मैरी फंस चुकी थी, इसलिए मैरी काफी डर जाती है और अपनी कार तेजी से भगाने लगती है, लेकिन उसी दौरान उसकी कार क्रैश हो जाती है। अब किलर मैरी को ढूंढने यहाँ आने ही वाला था, इसलिए वो किसी तरह कार से निकलकर पास ही के एक ग्रीन हाउस में चली जाती है और वहां जाकर उस किलर से लड़ने के लिए खुद को तैयार करती है और अपने लिए एक हथियार बनाती है और खुद ही उस किलर को ढूंढने लगती है। लेकिन किलर काफी शातिर था, उसे उसके इस बात की भी भनक लग जाती है, इसलिए वो चुपके से आकर पीछे से उसे दबोच लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो उसे मारने ही वाला था कि तभी मैरी एक पत्थर से उसका सर फोड़ देती है, जिसके बाद वो अपना हथियार लेकर उस पर टूट पड़ती है और उसे तब तक मारती है जब तक उसे यकीन नहीं होता कि वो मर चुका है। उसे मरा देखकर मैरी चैन की सांस लेती है। इधर पुलिस भी गैस स्टेशन पर पहुंच जाती है और उस स्टोर में जाकर सीसीटीवी चेक करने लगती है और उन्हें किलर का पता चल जाता है। और यहाँ पूरी कहानी बदल जाती है क्योंकि वो किलर और कोई नहीं बल्कि खुद मैरी ही थी। दरअसल यहाँ कोई किलर था ही नहीं और एलेक्सिया की पूरी फैमिली को मैरी ने ही मारा था, इसीलिए ही एलेक्सिया की मोम ने मरते वक्त उससे पूछा था वाई, और अभी तक एलेक्सिया इतना रो रही थी वो भी सिर्फ मैरी की ही वजह से। अब मैरी खुश होकर एलेक्सिया के पास जाती है क्योंकि उसके मुताबिक उसने एलेक्सिया को किलर से बचा लिया था। असल में वो खुद भी अपनी दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं जानती थी और इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, बिल्कुल अपरिचित मूवी की तरह ही। वो एलेक्सिया को आज़ाद करके सोचती है कि वो खुश होगी, लेकिन उसने एलेक्सिया के सामने ही उसकी पूरी फैमिली को बेरहमी से मार दिया था, इसलिए एलेक्सिया उसे चाकू से मारकर वहां से भाग जाती है, जिससे मैरी फिर से उसकी दूसरी पर्सनैलिटी में आ जाती है। और अब किलर मैरी एक सॉ लेकर एलेक्सिया का पीछा करने लगती है और एलेक्सिया एक रोड तक पहुंच जाती है और एक कार को रोककर उससे मदद मांगती है। तभी मैरी वहां आकर अपनी सॉ से कार ड्राइवर को मार देती है, जिसके बाद मैरी एलेक्सिया के चेहरे के पास सॉ लाकर उससे कन्फेस करवाती है कि वो उससे प्यार करती है, यानी उसे एलेक्सिया से अफेक्शन था और वो इस हद तक बढ़ गया जिससे उसकी एक और पर्सनैलिटी डेवलप हो गई और वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा एलेक्सिया का कोई और इस दुनिया में हो, इसलिए उसने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया।
मैरी बोलती है कि वो उन दोनों के बीच किसी को नहीं आने देगी। तभी एलेक्सिया एक रॉड उसके आर पार कर देती है। इसके बाद सीन चेंज होकर कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है, जहां मैरी को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं और वो बार बार यही दोहरा रही थी कि वो किसी को उनके बीच नहीं आने देगी। और एलेक्सिया उसे एक वन वे मिरर से देख रही थी और मिरर वन वे होने की वजह से मैरी को उसे देखने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन फिर भी उसे एलेक्सिया के वहां होने का पता चल जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।